Good morning everyone. We will discuss about lesson number 4. The name of the lesson is the elements of the trading board game. So beta, in third lesson we have discussed about types of board games. So at board level there are two types of board games. The first one is the democratic board game. Second one is the monarchy. Democratic board game is ruled by people and monarchy is ruled by queen or king. Is it clear? So beta, in this lesson we will discuss about key elements of democratic board game. So beta, there is a story given in your book related to the girl, and the name of the girl was Maya Naidu. Maya Naidu नाम की लड़की होती है जो अपनी मम्मी की सहायता करती है जब वो घर की काम करती है, साफ सफाई करती है. तो बेटा while cleaning she got a box and inside the box there are number of articles, there are number of screen books and there are number of cutting of newspaper. बेटा उस newspaper में क्या होता है, एक newspaper जो होता है actor Peterson से related होता है. So बेटा actor Peterson से related क्या होता है, तो उस newspaper में लिखा रहता है कि actor Peterson a black boy was killed white protesting, यानी कि आंदोलन करते हुए हैकर प्रोडक्शन नाम का लड़का गोली से मार दिया जाता है. एंड ये पढ़ने के बाद माया नायडू इंटरेस्टेड एंड वांटेड टू नो अबाउट व्हाट हैपेंड विद हैकर प्रोडक्शन एंड बिकॉज ऑफ दैट शी वेंट टू हर मदर एंड आस्क्ड मॉम हु वाज हैकर प्रोडक्शन. सो हर मॉम टोल्ड हैकर प्रोडक्शन वाज ब्लैक बॉय ऑफ साउथ अफ्रीका हु लिव्ड इन सोवेटो a rural area of Africa and there was a local language named Zulu. Zulu was what? Local language. Just for example, बलिया में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? बलिया तो भोजपुरी बोली जाती है. तो भोजपुरी क्या है यहाँ पे? लोकल लैंग्वेज है बलिया की. सेम थिंग जो सोवेटो थी, तो बेटा सोवेटो की जो लोकल लैंग्वेज वो क्या थी? जुलू थी. तो बेटा हमारे पास जुलू लोकल लैंग्वेज थी और जो हमारे पास यूरोपियन कंट्री थे वो जो अफ्रीका के ऊपर राज करते थे दे वॉन्टेड टू मेक दिम लर्न इंग्लिश लैंग्वेज एंड वो इंग्लिश सीखना नहीं चाहते थे. भैया अगर मुझसे बोला जाए कि भैया आइए और बंगाली सीखिए मराठी सीखे तो मैं बंगाली मराठी क्यों सीखूंगा, मुझे क्या जरूरत है, क्या इंपॉर्टेंस है? ठीक है, तो बेटा मैं इग्नोर करूंगा, मैं आंदोलन करूंगा. ठीक है, सेम थिंग हैकर पीटरसन डिड एट दिस टाइम. ओके, एंड हैकर पीटरसन एंड हिज फ्रेंड्स स्टार्टेड मूवमेंट, स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग एंड दे टोल्ड दैट दे डिड नॉट वांट टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज. दे used to speak their own regional language, local language, it is Zulu. And beta, इसी के वजह से जो हमारे पास वहाँ की armies थी, उन्होंने mercilessly बिल्कुल बहुत बुरी तरह से इनको मारा, बहुत बुरी तरह से मारा and गोली भी चला दी. ठीक है, तो वह गोली बेटा एक हैकर प्रोडक्शन को लगी थी और हैकर प्रोडक्शन को लगने के बाद वो मर गया था. और हैकर प्रोडक्शन को गोली कब लगी थी? 1976. This was the time period. तो बेटा अफ्रीका में क्या था? अफ्रीका में हमारे पास जो अंग्रेज थे वो राज करते थे. उस टाइम पे होता क्या था कि दे डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेसेस. रेसेस मतलब क्या होता है? रंग के आधार पे. योर अफ्रीकन मींस ग्रीस के गेराकुलाड ड्यूएल ब्रैपो ओवर ग्ले. ओके, और ये कौन है बेटा? तो ये बेटा हमारे पास केविन पीटरसन है. ठीक है, एक स्मिथ है. तो ये क्या है? व्हाइट पीपल है. तो बेटा हमारे पास क्या है? जो व्हाइट पीपल थे दे thought themselves that they are superior. वो अपने आप को superior समझते थे. And black people को क्या क्या समझते थे? कि ये superior नहीं है. तो बेटा उनके लिए white people के लिए well maintained hospital होता था अफ्रीका में और black के लिए बहुत ज्यादा खराब. ठीक है, उनके लिए अच्छे bus stop होते थे white के लिए, जबकि black के लिए अच्छे stop नहीं होते थे. हमारे पास school की बात है तो white people very स्कूल में पढ़ते थे, जबकि ब्लैक पीपल बेटा बहुत ही सरकारी स्कूल में पढ़ते थे और बहुत वहां की कंडीशन खराब थी. तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन उनसे किया जाता था. और ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया जाता था? ऑन द बेसिस ऑफ कलर, दैट यू आर अफ्रीकन एंड यू आर इन ब्लैक कलर एंड आर वी आर यूरोपियन एंड वी आर इन व्हाइट कलर. सो बेटा गोरे और काले होने की वजह से उनके साथ ये भेदभाव किया जाता था. तो अपार्थाइड हमारे पास एक वर्ड है. अपार्थाइड मींस क्या होता है बेटा? अ पॉलिसी ऑफ सिस्टम ऑफ सेगरेगेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रेस और कलर. इट मींस यानी कि कह रहा है अपार्थाइड क्या है? रंग भेद. यानी कि नो वन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द स्किन कलर. यानी कि स्किन कलर के आधार पर हम किसी के साथ क्या कर सकते हैं? भेदभाव नहीं कर सकते. सो बेटा दिस टाइप ऑफ पॉलिसी इज नोन एज अपार्थाइड. इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन इज अनटचेबिलिटी. अनटचेबिलिटी मींस व्हाट? अनटचेबिलिटी मींस a custom which was existed in society. It is the practice of social rejection of group by sexuality named from the mainstream
हमारे पास समाज की प्रथा होती है। समाज की प्रथा में जो लोग लो लेवल के होते हैं, एसी एससी के होते हैं, दे आर नॉट अलाउड टू कम एंड दे आर नॉट अलाउड टू एनीथिंग अकॉर्डिंग टू देयर पे। ओके बेटा, सो दिस टाइप ऑफ कस्टम, दिस टाइप ऑफ प्रैक्टिस इज नोन एज अनटचेबिलिटी एंड इट इज ऑल्सो एग्जिस्टिंग इन आवर कंट्री इन सम पार्ट ऑफ द रूरल एरिया। इज इट क्लियर? सो बेटा, in Africa, there was a party. The name of the party is the African National Congress. And main leader of the national, main leader of this party, the African National Congress, Nelson Mandela. Nelson Mandela. So, Nelson Mandela was leading this party. And for what reason they are, he is leading. So, Nelson Mandela was struggling. He wanted to approve this type of system, this type of bank which was in Africa. And for that, he fought for a long time. And at last, he became success in 1994. And South Africa became Demo Democratic Government. And Nelson Mandela became first black president of Africa. First black president of Africa. And the 18th of July, he celebrated a national, international Nelson Mandela Day. Is it clear? बेटा, जैसे इंडिया के अंदर हमारे महात्मा गांधी है, अफ्रीका के अंदर हमारे नेल्सन मंडेला जी है। ठीक है बेटा, ये आपकी स्टोरी थी। स्टोरी में बेटा आप क्या मिला कि हमारे पास अफ्रीका डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का बना 1994। अफ्रीका में जो नेल्सन मंडेला थे वो किस पार्टी से थे? तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। हु वाज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीका? नेल्सन मंडेला। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट विल डिस्कस। तो बेटा, इस तरह से हमको सारे पॉइंट्स क्या करने हैं? डिस्कस करने हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। सो बेटा, इन इंडिया when we talk about India, so beta, there is a participation in the formation of the democratic government, so beta, in which form we can participate in the formation of democratic government. So beta, we have right to vote. हम अपने वोट के अधिकार से क्या करते हैं? हम किसी भी सरकार को बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। We play an important role in the formation of the democratic government. When we talk about democratic government like India, and in India, beta, there is a fixed time period for any government, and that time period is for 5 years. यानी 5 साल तक की कोई भी सरकार यहाँ पे राज कर सकता है। 5 साल के बाद फिर वो वोट मांगने के लिए हमारे पास आएगा। And at that time, we can use our vote to prove that we are important in democratic government, in democracy. अगर लोग नहीं होंगे तो वोट नहीं होगा, अगर वोट नहीं होगा तो सरकार नहीं बनेगी। तो बेटा, हमारे पास लोगों का वोट एक महत्वपूर्ण भूमिका है। एंड वी पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन डायरेक्ट फॉर्म। इज इट क्लियर? अब बेटा, हमारे पास अदर वे, अदर वे ऑफ पार्टिसिपेशन। तो बेटा, अदर वे ऑफ पार्टिसिपेशन क्या है? तो बेटा, हम जब सरकार में काम करते हैं और उनसे पूछ नहीं रहते हैं तो हम रैली करते हैं, हम धरना प्रदर्शन करते हैं, सिग्नेचर कंपेन करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, हम मूवमेंट करते हैं। ठीक है, लेटेस्ट जो है बेटा, आप लोग देखोगे अन्ना हजारे। ठीक है, 2008 के आसपास अन्ना हजारे ने क्या किया था? मूवमेंट किया था। ठीक है, बिल के लिए। तो वो क्या था बेटा? वो सरकार के खिलाफ, यानी कि सरकार की पॉलिसी को वो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट कराते थे कि करप्शन के रिगार्डिंग। तो उसके वजह से उन्होंने सरकार के खिलाफ आंदोलन किया। तो बेटा, हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से हम क्या कर सकते हैं? अपनी रोल इम्पोर्टेंट प्ले कर सकते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। बेटा, अभी आप देख रहे हो कि हमारी पेट्रोल की दाम जो है दिन में दिन बढ़ती जा रही है। सो बेटा, इन सम पार्ट ऑफ आवर कंट्री, पीपल ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया, अ ग्रुप ऑफ पीपल, दे आर अपोजिंग द रूल एंड द पॉलिसी ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट एंड दे आर डिमांडिंग टू डिक्रीज द प्राइस ऑफ पेट्रोल। तो बेटा, ये क्या है? हम गवर्नमेंट के कामों को क्या कर सकते हैं? हम ऑब्जर्व करते हैं, अगर वो सही है तो सही है, गलत है तो हम उसकी उपेक्षा करेंगे। और उपेक्षा करने के लिए क्या कर सकते हैं बेटा? रैली कर सकते हैं, धरना कर सकते हैं,
शुरू कर सकते हैं, सिग्नेचर कंप्लीट चला सकते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट वी विल डिस्कस। सो बेटा नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, तो बेटा नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है स्ट्रगल, यानी कि फाइट, यानी कि हमारे पास डिस्प्यूट, जिसको हम झगड़ा यानी कि विवाद कहते हैं। ड्यू टू रिलीजियस प्रोसेशन एंड सेलिब्रेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। ओके बेटा, सो हमारे पास ये जो नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट वो एक्जेक्टली है क्या? तो आप देखते हो कि हमारे इंडिया जो है, इंडिया एक सेक्युलर कंट्री, तो हमारे पास इंडिया के अंदर बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं। दे सेलिब्रेट देयर ओन फेस्टिवल इन देयर ओन वे ऑफ स्टाइल। बेटा तो अब हमारे पास क्या होता है, उस समय कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। देखिए कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या होता है, विवाद हो सकता है। अगर हम हिंदू हैं, हम होली मना रहे हैं, हम किसी मुस्लिम के ऊपर गिर गया, तो वो बेटा क्या करेगा, वो झगड़ा लड़ाई करना शुरू कर देगा। एग्जैक्टली हमारे पास अब ऐसा हो नहीं रहा है, बट इस वक्त इस चीज का माइंड सेट ऑफ द पीपल, ठीक है, ये माइंड सेट है। और बेटा अभी हम देख रहे हैं कि बकरीद का मौसम चल रहा है, तो ऑल मुस्लिम्स आर सेलिब्रेटिंग देयर फेस्टिवल्स एंड हिंदू आल्सो पार्टिसिपेटिंग देयर। बट हमारे पास क्या होता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अराजक तत्व होते हैं, जो नहीं चाहते हैं कि दे डिस्टर्ब दिस फेस्टिवल्स एंड दे स्टार्टेड कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन टू रिलीजियस फेस्टिवल, बिटवीन टू रिलीजन। और बेटा उस हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल करने का, उसको एक्सटेंशन निकालने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है गवर्नमेंट का। और गवर्नमेंट बेटा हमारे पास कैसे करती है, गवर्नमेंट हमारे पास क्या होता है, पुलिस होता है। कैसे? उत्तर प्रदेश अगर बलिया में कोई कंफ्लिक्स हो गया हिंदू मुस्लिम के अंदर, तो तुरंत हमारे पास पुलिस क्या करेगी, उस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। तो पुलिस किसके अंदर काम करती है, गवर्नमेंट के अंदर काम करती है। तो गवर्नमेंट हमारे पास क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इस पे रिस्पॉन्सिबल है कि नीड टू रिजॉल्व, यानी कि किसी एक चीज का निपटारा करना, कंफ्लिक्स यानी कि विवादों का। इज इट क्लियर? अभी आप लोग देखोगे कि हमारे पास ये बेटा क्या है, डैम है, ठीक है। तो डैम हमारे पास बेटा एक डाउनस्ट्रीम है, एक क्या है आपका अपस्ट्रीम है। तो बेटा हमारे पास ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, तो बेटा हमारे पास ये क्या है, कर्नाटका है, ये आपका क्या है बेटा, ये तमिलनाडु है, ठीक है। दिस इज कर्नाटका एंड दिस इज तमिलनाडु। दस मेक यू मोर क्लियर रिगार्डिंग द डायग्राम दैट देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हु बेटा, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। सो बेटा दिस इज कर्नाटका एंड दिस इज तमिलनाडु। सो देयर इज अ रिवर, द नेम ऑफ द रिवर इज कावेरी, ओके, एंड हियर इज अ डैम, ओके, कृष्णा सागर डैम, एंड हियर इज अ डैम मैथ्यू डैम। तो बेटा हमारे पास कावेरी रिवर से जो पानी फ्लो करता है, तो वह स्कैपमेंट क्लियर कर लिया जाता है, और जब तक कर्नाटका उस पानी को पूरी तरह से यूटिलाइजेशन नहीं करता, वो रिलीज नहीं करता है, और इसके रिलीज न करने की वजह से यहाँ पे क्या होता है बेटा, पानी की कमी हो जाती है, चाहे वो एग्रीगेशन इरीगेशन हो, चाहे हमारे पास कोई और भी काम हो। तो तमिलनाडु कहता है कि भैया हमको ये पानी पूरा चाहिए, कर्नाटका कहता है भैया हमारे यहाँ से रिवर निकले तो पहले पानी हम यूज करेंगे, उसके बाद बचा हुआ पानी आपको देंगे। तो बेटा इन दोनों के बीच में हमारे पास अब इश्यू है, क्योंकि ये पानी जब तक रिलीज नहीं करेगा तब तक यहाँ पहुंचेगा नहीं, ठीक है। तो हमारे पास कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में जो वाटर डिस्प्यूट है, ठीक है, वाटर कंट्री से वाटर डिस्प्यूट है, इसको बेटा रिसॉल्व करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने पार्टिसिपेट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट आई और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के बीच बात की, और बात करने पर उन्होंने कहा 60% ऑफ दिस रिवर वाटर, 60% वाटर ऑफ दिस रिवर कैन बी यूज बाई कर्नाटका एंड 40% वाटर ऑफ दिस रिवर कैन बी यूज बाई तमिलनाडु एंड मैट्रो एंड दिस। तो बेटा इस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट क्या की, इस कंट्री को रिजॉल्व कर दी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है बेटा आपका इक्वालिटी जस्टिस। इक्वालिटी एंड जस्टिस ये होता क्या है, इक्वालिटी में समानता होता है, जस्टिस मतलब न्याय होता है। तो इक्वालिटी क्या है और जस्टिस क्या है, सपोज दैट देयर इज वाइफ एंड देयर इज अ गर्ल। सो बेटा हमारे पास गर्ल्स एंड वाइफ दोनों क्या होता है, इन इक्वालिटी होता है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर इक्वालिटी है। एंड दिस इक्वालिटी बेटा हमारे पास क्या होता है कि जितने भी हमारे पास मोस्टली जो पेरेंट्स होते हैं, वो चाहते हैं कि मुझे लड़का पैदा हो, और इसके वजह से वो क्या करते हैं, बहुत सारे हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से पता कर लेते हैं कि हमारे पास प्रेगनेंसी के टाइम में कि हमारे पास
जो लड़का है कि लड़की, अगर लड़की है तो बेटा वो ध्यान रखते हैं उसको, खत्म कर देते हैं, अगर लड़का है तो प्रॉपर तरीके से उसका टेक केयर किया जाता है, और बेटा अगर बर्थ भी हो जाता है तो उसके बाद उनकी सिचुएशन होता है, और सिचुएशन किस बेसिस पे होता है बेटा, तो वो एजुकेशन पे होता है, वो आपके लिविंग स्टैंडर्ड पे होता है, तो ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, हमारे पास जो लड़कियों के लाइफ में होता है लड़कों के साथ नहीं होता, लड़कों के साथ होता है लड़कियों के साथ नहीं होता। लड़कों को पूरी तरह से फ्रीडम दी जाती है जबकि लड़कियों को नहीं फ्रीडम दी जाती है, लड़कों को प्रॉपर तरीके से एजुकेट किया जाता है जबकि लड़कियों को नहीं किया जाता है। तो ऑल दिस कम्स अंडर अनइक्वालिटी, इज इट क्लियर बेटा? और इस अनइक्वालिटी को, इस अनइक्वालिटी को जस्टिफाई करने के लिए हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ लाए गए हैं कि अगर कोई भी पेरेंट्स, अगर कोई भी समाज का कोई भी एक ग्रुप अगर लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार करता है, ट्रीट करता है, तो उसको संविधान के अकॉर्डिंग उसको सजा दी जाएगी। सो बेटा दिस इज टू द बेस्ट फॉर्म अनइक्वालिटी बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज। सो बेटा इन दिस लेसन हमारे पास कंसेप्शन, हमारे पास मेन मोटो क्या है इस लेसन का, बेटा यू हर्ड अबाउट फंडामेंटल राइट्स। व्हाट बेटा? यू हर्ड अबाउट फंडामेंटल राइट्स। हमारे पास सिक्स फंडामेंटल राइट्स होते हैं जिसमें से आपका एक फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। तो बेटा हमारे पास जो राइट टू इक्वालिटी है, ओके, इस राइट टू इक्वालिटी का हमारे पास आर्टिकल नंबर 15 को जहां पे बताया गया कि आर्टिकल नंबर 15 कैसे डिस्क्रिमिनेशन होने से हमको रोकते हैं, यानी कि इफ आई एम डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एनीथिंग, रिलीजन, रेस, कास्ट, एनीथिंग, सो आई हैव राइट टू कंप्लेन अगेंस्ट दैट पीपल एंड आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट मी अकॉर्डिंग टू लॉ। सो बेटा दिस लेसन टोटली बेस्ड ऑन आर्टिकल नंबर 15 विच कम्स अंडर फंडामेंटल राइट ऑफ राइट टू इक्वालिटी। इज इट क्लियर? थैंक यू।